नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने कुछ जिलों में हुई घटनाओं के मामले में रविवार शाम तक पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा। कहा, कार्रवाई ऐसी हो बने मिसाल। सीएम योगी ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सीएम ने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के भी दिए स्पष्ट निर्देश। गोरखपुर, नेपाल व आसपास के अन्य जनपदों में गाड़ियों की चोरी कर उनका कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को गुलरेहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 मोटरसाइकिल, 2 चार पहिया वाहन किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुजुर्ग महिलाओं को टेम्पो में बैठाकर धोखाधड़ी से गहना ले लेने वाले गैंग के 2 सदस्यों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, बेचे गए गहनों से 13,700 रुपया किया बरामद, भेजा जेल। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। जनपद में 53 केंद्रों पर यूपीपीसीएस का परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 24,655 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 14,526 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में किया प्रतिभाग। 10,129 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और नवीन महेवा मंडी में आलू प्याज के दामों में आई भारी गिरावट। आढ़तियों ने कहा, मंडी में आलू व प्याज बिक रहा है 16 रुपए किलो तक, बिक्री है धीमी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं जो मिसाल बने, ताकि भविष्य में कोई भी कानून हाथ में लेने का गुनाह ना करे। उन्होंने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने रविवार को सरकारी आवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मामले में एक एक व्यक्ति की सीसीटीवी और अन्य वीडियो के माध्यम से पहचान कर कार्रवाई करें। उन्होंने धर्म गुरुओं, सिविल सोसाइटी, शांति समिति से निरंतर संवाद रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य आरोपितों और साजिशकर्ताओं के आय के स्रोतों की पड़ताल करने, क्षति की वसूली संबंधित आरोपितों से ही करने और आरोपियों के खिलाफ एनएसए या गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर पर आज बुलडोजर गरजा। शाम तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आरोपी के मकान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। जावेद ने प्राधिकरण से आवास का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया था। इससे पूर्व प्राधिकरण ने कई बार उसे नोटिस जारी किया था, लेकिन वह प्राधिकरण में पेश नहीं हुआ था। आरोपी को मकान खाली करने और ध्वस्तीकरण के लिए रविवार को भी नोटिस जारी किया गया था। मामले में प्रदेश भर से 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें फिरोजाबाद में 15, अंबेडकर नगर में 34, मुरादाबाद में 35, सहारनपुर में 71, प्रयागराज में 92, हाथरस में 51, अलीगढ़ में 6 और जालौन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश में इन नियमों के तहत चल रहे हैं बुलडोजर। यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति का ध्वस्तीकरण या जब्तीकरण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम
1973 के प्रावधानों के अनुसार एक्ट की धारा 27 के तहत भवन गिराने का आदेश देने संबंधी नियमों का उल्लेख है, जहां कोई विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या एक्ट की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति अनुमोदन या स्वीकृति के बिना किया गया है, उसे प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी को नोटिस देकर हटाने या ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है। तय समय सीमा में भवन स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन ना करने पर प्राधिकरण की ओर से निर्माण को हटाया जाता है। ऐसी स्थिति में हटाने का खर्च जितना प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाए भू स्वामी से भू राजस्व के रूप में वसूल होगा और ऐसी वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश लोक परिषद अनाधिकृत कब्जा से बेदखली अधिनियम 1973 में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार यदि निर्धारित प्राधिकारी या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या राज्य सरकार या कॉरपोरेट प्राधिकरण की ओर से प्राप्त आवेदन या रिपोर्ट पर यह राय रखता है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परिसर पर अनाधिकृत कब्जा कर रहा है और उन्हें बेदखल कर दिया जाना चाहिए, तो प्राधिकारी लिखित रूप में एक नोटिस जारी करेगा। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 5 की उपधारा 1 के तहत बेदखली के आदेश का पालन करने से इनकार करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, तो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को सार्वजनिक परिसर से बेदखल कर उस पर कब्जा किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे या दुरुपयोग रोकने के लिए राजस्व संहिता की धारा 67 में प्रावधान है। अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय निकाय की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों की बेदखली और उनसे क्षति वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत सहायक कलेक्टर के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह बदलाव 2020 में वर्तमान सरकार ने किया है। यदि अवैध कब्जा मिला व्यक्ति बेदखली के आदेश का पालन करने से इनकार करता है, तो प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। गुलरिहा पुलिस ने गोरखपुर आसपास के अन्य जनपदों में गाड़ियों की चोरी कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को भटहट निचलौल कस्बा महाराजगंज थाना गुलरिहा गोरखपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद इमरान पुत्र कलीमुल्ला निवासी बढ़ईपुरवा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज, दूसरा अरविंद पांडे पुत्र शैलेंद्र पांडे निवासी मसूरगंज थाना कप्तानगंज कुशीनगर, तीसरा अफजल पुत्र अमीरुल्लाह निवासी कृष्णानगर कस्बा निचलौल थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। SP नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग नेपाल बॉर्डर पर निचलौल कस्बा में पूर्वांचल बाइक कार बाजार के नाम से कार बाजार की दुकान खोले हैं। हम लोग चोरी की गाड़ियों को खरीद कर उनका कागजात बनाकर आधे दाम पर नेपाल या UP में बेच देते हैं। यह गाड़ी करीब 5 से 6 माह पहले राजन गुप्ता पुत्र जमुना गुप्ता निवासी भुजहना थाना सिंदूरिया व मिथिलेश मिश्रा निवासी किशनपुर थाना ठूठी बारी लाकर बेचते हैं, जिसके पास से 8 मोटरसाइकिल 2 कार बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलरिहा थाना प्रभारी उमेश कुमार वाजपेयी, स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित राय, उप निरीक्षक ज्योति नारायण तिवारी, कांस्टेबल दीपू आशीष, अनुप सिंह, भूपेंद्र सिंह, महफूज आलम, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, कांस्टेबल दुर्गेश मिश्रा, करुणापति तिवारी, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, नहीं, 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 नहीं।
आज बुलेरिया थाने व प्रभारी स्वाट टीम द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से दो फोर व्हीलर गाड़ियां और आठ टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई हैं। इन गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम मोहम्मद इमरान, अरविंद पांडे व अफजल है। ये लोग गोरखपुर व आसपास के ज़िलों से गाड़ियां चोरी करते थे और उसका पेपर बनवा के और उसके बाद उसकी बिक्री करते थे। इसमें जो इमरान है वो मुख्य रूप से गाड़ी चोरी करता था, अरविंद पांडे और अफजल इसके पेपर बनवाकर इसको बेचने में इसका सहयोग करते थे। ये विभिन्न कार बाज़ार जो हैं उनमें मुख्य रूप से बेचते थे। इसमें एक अभियुक्त जो अरविंद पांडे है वो उसका एक कार बाज़ार से भी संपर्क है, तो वहाँ से ये लोग अपनी कारें बिकवाते हैं। ये अभी आसपास के जनपदों की टोटल मिला करके आठ गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, टू व्हीलर और दो फोर व्हीलर। तो मुख्य रूप से नई गाड़ियाँ हीरो स्प्लेंडर प्लस और जो नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं उन्हीं की चोरी करते थे जिससे कि उनकी आसानी से बिक्री हो जाए। अभी आपराधिक इतिहास इनका तलाश किया जा रहा है और बाकी जिलों से भी इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। ये पेपर बनवाने में तो इसमें एक अभियुक्त जो है उसका विशेष रूप से योगदान है, अरविंद पांडे का। और जो अफजल है वो एक कार बाज़ार चलाता है। तो इस तरह से सभी मिलकर के और पूरी घटना को अंजाम देते थे। इसमें पूछताछ हो रही है और भी अगर लोग जो शामिल पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जी बिल्कुल निश्चित रूप से इसे ज़रूर इस संभावना पर हम लोग और खोजबीन करेंगे। अगर पीछे भी ऐसा मिलेगा कि इन्होंने और भी घटनाएँ कारित की हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें मोहम्मद इमरान, अरविंद और अफजल हैं। बाकी शेष लोगों पे अभी पूछताछ जारी है, जो नाम और प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी ये तो स्पष्ट रूप से नहीं प्रकाश में आया है कि आरटीओ कर्मचारी लिप्त है या नहीं, लेकिन इसमें से एक अभियुक्त जो है वो पर्चे वगैरह कागजात बनवाने में आरटीओ ऑफिस से, हाँ निश्चित रूप से आरटीओ ऑफिस से ही बनवाते होंगे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरटीओ ऑफिस की कोई संलिप्तता नहीं है। अगर होगी तो उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। हाँ इसकी भी जानकारी मिली है कि कुछ गाड़ियाँ नेपाल भी भेजते हैं। अब इसमें विस्तृत छानबीन की जा रही है, स्वाट टीम लगी हुई है। नहीं, पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं, ये विशुद्ध रूप से अपराधी हैं और रेकी करके जहाँ सुरक्षित रूप से ये गाड़ियाँ उठा सकते हैं वहाँ से गाड़ियाँ उठाते थे और उसके कागजात बनवा के और इस तरह से बेचते थे कि जैसे कि ये लीगल गाड़ी हो। ये निश्चित रूप से इसका नेटवर्क बड़ा है और बड़े
कायदे से और दिमाग लगा करके ये लोग अपना काम अंजाम देते हैं। बुजुर्ग महिलाओं को टेम्पो में बैठाकर धोखाधड़ी से गहना लेने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गोड़धोइया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शनी उर्फ पाके पुत्र अनिल निवासी आवासीय कॉलोनी मिलेनियम सिटी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, दूसरा राजकुमार पुत्र रामदास निवासी आवासीय कॉलोनी मिलेनियम सिटी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, बेचे गए गहनों में से 13,700 रुपए नगद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को थाना क्षेत्र में घटित घटना के संबंध के दौरान विवेचना प्रकाश में आए अभियुक्त विशाल पुत्र महेंद्र प्रसाद निवासी बशारतपुर पूर्वी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 30 मई को थाना गुलरिहा गोरखपुर के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, तथा मुकदमा प्रकाश में आए तीन अन्य अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिनमें से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक रामानुज सिंह यादव, हेड कांस्टेबल रामविलास सिंह, कांस्टेबल आजाद अली, दुर्गेश यादव शामिल रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने कुछ जिलों में हुई घटनाओं के मामले में रविवार शाम तक पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा। कहा, कार्रवाई ऐसी हो बने मिसाल। सीएम योगी ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सीएम ने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के भी दिए स्पष्ट निर्देश। गोरखपुर, नेपाल व आसपास के अन्य जनपदों में गाड़ियों की चोरी कर उनका कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के तीन सदस्यों को गुलरिहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 मोटरसाइकिल, 2 चार पहिया वाहन किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुजुर्ग महिलाओं को टेम्पो में बैठाकर धोखाधड़ी से गहना ले लेने वाले गैंग के दो सदस्यों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, बेचे गए गहनों से 13,700 रुपया किया बरामद, भेजा जेल। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। जनपद में 53 केंद्रों पर यूपी पीसीएस का परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 24,655 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 14,526 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में किया प्रतिभाग। 10,129 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और नवीन महेवा मंडी में आलू प्याज के दामों में आई भारी गिरावट। आढ़तियों ने कहा, मंडी में आलू व प्याज बिक रहा है 16 रुपए किलो तक, बिक्री है धीमी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044664300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा छात्र संघ चौराहा स्थित एक निजी हॉल में चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर योगदान देने वाले चिकित्सक व चिकित्सीय कर्मचारियों का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। यदि चिकित्सक और राजनेता अपने धर्म को पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करें तो देश को प्रगति करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभय त्रिपाठी, तमकुहिराज विधायक डॉक्टर असीम कुमार, बीएन अग्रवाल, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, डॉक्टर मस्तराम सिंह, डॉक्टर सुश्रेया तिवारी, डॉक्टर वाईडी सिंह, इंद्रमणि उपाध्याय, आशुतोष सिंह, राहुल प्रताप सिंह, हरिकेश राम त्रिपाठी सहित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सबसे पहले हम हमारे आए हुए अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे, जो परंपरा है उसके साथ कुछ काम कर रहे हैं, संक्षेप में करेंगे हम। उसके बाद काफी लंबे समय तक कई जिम्मेदार पदों पर रहते हुए सन 2018 में उस समय चुनाव में देखा पार्टी को बहुत ही अच्छी सफलता मिली, फिर उसका परिष्कृत रूप हम लोग को देखने को मिला। जब मैंने निवेदन किया इस कार्यक्रम के लिए, दरअसल इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हमको बस 2 दिन का समय मिला था और आज हम लोग कुछ उपस्थित हैं। सही नेतृत्व में रहे, जीवन से ही विद्यार्थी परिषद एनएमओ और संघ से जुड़े रहे हुए हैं। इन्होंने 1996 से जब यूनिवर्स आपका सेकेंड ईयर या पीजी एमसी में, मैं ही नहीं बल्कि कई मेडिकल स्टूडेंट बॉस के संगत के वजह से विद्यार्थी परिषद से जुड़े, संघ से जुड़े, और भी कोई जरूरत पड़ती थी हम लोग इनको फोन करते थे, तुरंत सलाह देते थे, एडमिशन कराने की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर दिलीप मणि त्रिपाठी, डॉक्टर के राय, डॉक्टर यहाँ व्यवस्थापक, डॉक्टर आशुतोष शुक्ला और बहुत ही सरल स्वभाव के डॉक्टर, तो गिनती नहीं है। डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी एक तो मीठी दवाएं देते हैं, डॉक्टर पीसी साहिब के रहा है, डॉक्टर उपाध्याय
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 वर्ष के सफलतम कार्य पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। चिकित्सा प्रकोष्ठ भी उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा स्तरों पर इस प्रकार के जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवा की, हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल्स हैं, ऐसे जो कोरोना योद्धा के रूप में जिन्होंने काम किया उनके सम्मान का कार्यक्रम चिकित्सा प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहा है। आज गोरखपुर महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ इस प्रकार के आयोजन करके गोरखपुर शहर में ऐसे चिकित्सकों ने जिन्होंने अपना मेडिकल का पैसा छोड़ करके उस समय सेवा के कार्य किए, कोरोना के कालखंड में जब कोई निकलता नहीं था तो जान की बाजी लगा करके सेवा का काम किया, ऐसे प्रमुख चिकित्सकों को यहां सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम चल रहा है। जनपद में 53 केंद्रों पर UPPCS परीक्षा संपन्न हुई जिसमें कुल 24,655 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 14,526 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 10,129 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जिसके संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने बताया कि परीक्षा की निगरानी के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV की व्यवस्था की गई थी। CCTV की फुटेज संरक्षित की जाएगी और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी जिससे कि किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने कहा शिवकांतेश्वर यादव। PCS का पेपर था किस तरह? PCS का था। कैसा रहा पेपर? पेपर तो बढ़िया रहा, एवरेज में लगभग 1777 क्वेश्चन तक हो जा रहे हैं, एवरेज में था पेपर। किस तरह क्वेश्चन आए? क्वेश्चन अच्छे थे। इस तरह जिससे पहले आपने एग्जाम दिया? नहीं, हमारा सेकंड अटेम्प्ट था ये। क्या क्या लग रहा आज पेपर तो इजी टू मॉडरेट था, बीच बीच में कहीं कहीं पे हार्ड था, शुरू में कुछ इजी भी था। दिलीप कुमार सर। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? क्या सही आए थे? नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो 120 क्वेश्चन अटेंड किए हैं सर। लगभग किस तरह के क्वेश्चन आए? नॉर्मल, कम से कम 50% नॉर्मल थे और 50% टफ थे सर। इससे पहले आपने एग्जाम दिया ये? जी नहीं सर, प्रथम बार दे रहे हैं। आज पेपर कैसा हुआ आपका? आज अच्छा हुआ सर। विनीता यादव। नहीं, पहली बार था। क्या लग रहा है आज? क्या लग रहा है आज पेपर ले जाओ? सही था पेपर, दबाई हुआ है जान। पुष्पा यादव। अच्छा रहा। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? अच्छे लेवल का था। क्या इससे पहले एग्जाम दिया? नहीं। क्या लग रहा है आज पेपर देके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सही हुआ है। मीता श्रीवास्तव। इसका पेपर था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे? ठीक थे, किस्मत था। इससे पहले एग्जाम दिया था आपने? हाँ। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? सभी मिक्स थे, ओवरऑल सब ठीक ठीक था। क्या लग रहा है आज पेपर देके? बहुत अच्छा नहीं, बात ठीक है। देखिए, UPPCS की परीक्षा के दृष्टिगत आज मैं यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हूँ, तो इसका दायित्व होता है कि हम लोग पेपर जो हैं और OMR सीट्स हैं उसको टाइमली सेंटर्स पे पहुँचाना, परीक्षा के दृष्टिगत शुचिता बनाए रखने के लिए हर एक कमरे में यहाँ पे CCTV फुटेज लगे हुए हैं। CCTV फुटेज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी संरक्षित की जाएगी। हर प्रत्येक कमरे में जो इन्विजिलेटर्स हैं वो दो यहाँ पर रखे गए हैं और इसकी CCTV मॉनिटरिंग अच्छे से यहाँ कंट्रोल रूम बना के की जा रही है।
नवीन महेवा मंडी में आलू प्याज के दामों में गिरावट आई, जिसके संबंध में नवीन महेवा मंडी के आढ़तियों ने बताया कि मंडी में सफ़ेद व लाल आलू 16 रुपए किलो और प्याज भी 16 रुपए किलो तक बिक रहा है। आवक भी भरपूर है लेकिन बिक्री धीमी है। उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से लोग हरी सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हरी सब्जी बहुत सस्ती बिक रही है। सब सब्जियाँ लगभग 5 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो तक बिक रही हैं और सब्जियाँ ताज़ी भी रह रही हैं। हरी सब्जियों की आवक भी भरपूर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नवीन महेवा मंडी के आढ़तियों ने कहा, मोहम्मद अजहर अली उर्फ मिस्टर साहब, इस समय चल रहा है 13 रुपये से लेकर 15 रुपये तक लाल आलू, सफ़ेद आलू का भी यही पोजीशन है। प्याज की पोजीशन है ये समझ लीजिए 10 रुपये से लेकर 14-15 तक बिका है। बिक्री गर्मी से थोड़ा आलू की बिक्री कम है। सब्जियां है मद्दी, नेनुआ है, करेला है, परवल है, ये सब 5-10 रुपये किलो में है और गर्मी बहुत विकेट पड़ रही है तो आलू थोड़ा कम उठा रहा हूँ उसका। प्रसाद अली, आलू बिक रहा है वही 1200-1300-1400 से बिका है। सफ़ेद 1400, लाल आलू बढ़िया अच्छा आलू बिका 14-15। प्याज बिक रहा है 1000 से लगा के 1500 तक। जी आवक तो बहुत है, 10-15 गाड़ी डेली आ रही है। बिक्री थोड़ा सुस्त है गर्म की वजह से। शम्स तबरेज, मंडी में आलू का रेट इस समय चल रहा है कि 14 रुपये से लगा के 15 रुपये किलो तक का बिका हुआ आलू, 15.5 तक का, 16 तक का बिका हुआ आलू। प्याज का रेट बिक रहा है आपका 12 रुपये से लगा के 16 रुपये किलो तक की प्याज बिकी है। बिक्री तो बहुत खास नहीं बिक्री, बहुत हल्की बिक्री, क्योंकि मंडियाँ अगल बगल खुलने की वजह से हर 10 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे मंडियाँ खुल गई हैं और डायरेक्ट माल आ जा रहा है। सरकारी मंडी होने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कस्टमर आ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट गाड़ी वहाँ बन जा रही है, इंस्पेक्टर वगैरह डायरेक्ट वहाँ पैसा बन गया है, 400-500 रुपया गाड़ी ले लेते हैं और मंडियाँ पर यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ पर सरकारी मंडी में यहाँ पर टैक्स लगता है यहाँ पर, इसलिए कस्टमर बाहर के कस्टमर जो मंडी में आना बंद कर दिए हैं और जो रह गई है शहर की बिक्री रह गई है, इसलिए सब्जी भी सस्ती है, इसलिए प्रभावित है, थोड़ा माल और बहुत रिजर्व में और कम बिक रहा है। हमारा कमलेश नाम है, पटेश्वरी आलू एजेंसी। आलू क्या कर रहे हैं मंडी में? आलू बिका है भैया 16 रुपए का, सफ़ेद बिका है 16 रुपए का, लाल भी बिक गया है और प्याज भी इस समय मिल मान के चलिए 15-16 रुपए बिक रहा है। आवक तो लेके प्याज जी, आवक इस समय कम है, असल में गर्मी है और बाहर से आलू कट नहीं रहा है और हरी सब्जी काफ़ी सस्ती है, इसलिए आलू थोड़ा सा कम बिक्री है और इसीलिए तेजी भी है, आलू में बिक नहीं पा रहा है, आलू कट नहीं रहा है बाहर। बिक्री के किलो देखिए आज की, बिक्री ठीक है कम आ रहा है तो मान लीजिए बिक ही रहा है क्योंकि ज़्यादा चाहिए लोगों को इसीलिए कम बिक रहा है। प्याज मानकर चलिए 16 रुपये बिका है। नासिक वाली और एक आती है MP साजापुर की, तो वो मानकर चलिए 14 रुपये का बिकता है, वो हल्का प्याज होता है। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने कुछ जिलों में हुई घटनाओं के मामले में रविवार शाम तक पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा, कहा कार्रवाई ऐसी हो बने मिसाल। सीएम योगी ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सीएम ने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के भी दिए स्पष्ट निर्देश।
गोरखपुर, नेपाल व आसपास के अन्य जनपदों में गाड़ियों की चोरी कर उनका कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को गुलरेहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 मोटरसाइकिल, 2 चार पहिया वाहन किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुजुर्ग महिलाओं को टेम्पो में बैठाकर धोखाधड़ी से गहना ले लेने वाले गैंग के 2 सदस्यों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, बेचे गए गहनों से 13,700 रुपया किया बरामद, भेजा जेल। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। जनपद में 53 केंद्रों पर UPPCS का परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 24,655 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 14,526 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में किया प्रतिभाग। 10,129 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और नवीन महेवा मंडी में आलू प्याज के दामों में आई भारी गिरावट। आढ़तियों ने कहा, मंडी में आलू व प्याज बिक रहा है 16 रुपए किलो तक, बिक्री है धीमी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।